हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है माइलोग्राफी आज के वीडियो में हम माइलोग्राफी का इंट्रोडक्शन इंडिकेशन इंडिकेशन इक्विपमेंट और पेशेंट पोजिशनिंग के बारे में जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए जानते हैं माइलोग्राफी के बारे में माइलोग्राफी सबसे पहले माइलोग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल कोर्ड एंड नर्व रूट्स मतलब माइलोग्राफी में स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल कोर्ड और नर्व रूट्स का रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन किया जाता है यूजिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्टेड थ्रू ए निडल इंटू सब एरेक्नोइड स्पेस अराउंड स्पाइनल कोर्ड मतलब माइलोग्राफी में स्पाइनल कोड के चारों ओर सब एरेक्नोइड स्पेस में निडल के माध्यम से कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाता है माइलोग्राफी इज ऑफन परफॉर्मेड बाय ए न्यूरोलॉजिस्ट अंडर द रेडियोलॉजिस्ट सुपरविजन मतलब माइलोग्राफी प्रोसीजर रेडियोलॉजिस्ट के सुपरविजन में एक न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है अब स्पाइनल कोड की एनाटोमी के बारे में जानते हैं द स्पाइनल कोड इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वह मेडुला ओब्लोंगेटा से वर्ट्रिबल कैनाल से लंबर रीजन तक फैली होती है जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे स्पाइनल नर्व भी निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से थर्टी वन पेर स्पाइनल नर्व निकलते हैं इसमें एट सर्वाइकल नर्व ट्वेल्व थोरेसिक नर्व फाइव लंबर नर्व फाइव सेक्रल नर्वे और वन कोक्सीजियल नर्वे निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में थ्री मैनिंजेज होती है फर्स्ट है ड्यूरा मेटर यह आउटर मेम्ब्रेन होती है सेकंड है एरेक्नोइड मेटर यह मिडल मेम्ब्रेन होती है थर्ड है पायोमेटर यह है सबसे इनर मेमब्रेन होती है द स्पेस बिटवीन द एरेक्नोइड एंड पायामीटर इज कॉल्ड द सब एरेक्नोइड स्पेस मतलब एरेक्नोइड और पायोमेटर के बीच के स्पेस को सब एरेक्नोइड स्पेस कहा जाता है द सब एरेक्नोइड स्पेस कंटेन्स सी एस एफ मतलब सब एरेक्नोइड स्पेस में सी एस एफ मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड होता है अब माइलोग्राफी के इंडिकेशन की बात करते हैं मतलब माइलोग्राफी को किस किस कंडीशन में करना चाहिए फर्स्ट है लिम्ब नमनेस वीकनेस एंड पेन मतलब अपर और लोअर लिम में नमनेस मतलब सुन लिम में वीकनेस और लिम में पेन होने पर सेकंड है नेरोविंग स्पाइनल कैनल मतलब स्पाइनल कैनाल सिकुड़ जाने पर थर्ड है लोअर बैक पेन होने पर फोर्थ है हर्निएशन मतलब डिक्स प्रोलेप्स या स्लिप डिक्स प्रॉब्लम होने पर नेक्स्ट है ट्रोमेटिक लीजंस ऑफ द स्पाइनल कोड मतलब स्पाइनल कोड में कोई ट्रोमेटिक लीजन मतलब कोई गाव होने पर नेक्स्ट है स्पाइनल कोड में ट्यूमर देखने के लिए नेक्स्ट है कॉन्जेनाइटल डिजीज मतलब स्पाइनल कोड में कोई जन्मजात डिजीज होने पर नेक्स्ट है डी चेंजेस इन स्पाइनल कोड मतलब स्पाइनल कोड में डी चेंजेस होने पर नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स विद ब्लड वेसल्स टू द स्पाइनल कोड मतलब स्पाइनल कोड में ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम देखने के लिए माइलोग्राफी की जाती है अब माइलोग्राफी के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं मतलब माइलोग्राफी को किस किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए फर्स्ट है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी होने पर सेकंड है ब्लड इन द सीएसएफ मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड में ब्लड होने पर थर्ड है एरेक्नोडाइटिस मतलब एरेक्नोइड मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होने पर फोर नंबर है एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी होने पर फाइव नंबर है रिसेंट लम्बर पंचर अगर रिसेंटली लम्बर पंचर हुई है तो माइलोग्राफी नहीं करना चाहिए विद इन वन वीक सिक्स नंबर है अर्टेरिया विनस माल फॉर्मेशन होने पर अब माइलोग्राफी करने के लिए यूज होने वाले इक्विपमेंट्स की बात करते हैं फर्स्ट है फ्लोरोस्कोपी यूनिट के साथ फिल्म डिवाइस सेकेंड है टेल्टिंग टेबल थर्ड है लंबर पंचर स्पाइनल निडल सेट फोर नंबर है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, फाइव नंबर है लोकल एनेस्थेसिया सिक्स नंबर है सीरेंज ग्लव्स एंड गाउ्ज़ यह सभी इक्विपमेंट्स माइलोग्राफी करने के लिए उपलब्ध होने चाहिए अब माइलोग्राफी में यूज होने वाले कंट्रास्ट मीडिया की बात करते हैं माइलोग्राफी के लिए नॉन आइनिक वाटर सोल्यूबल और आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया होना चाहिए जैसे ओमनीपेक और आइसोविस्ट कॉन्ट्रास्ट मीडिया होना चाहिए जनरली माइलोग्राफी में लगभग 10 से 15 एम कंट्रास्ट मीडिया का यूज किया जाता है अब पेशेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं मतलब माइलोग्राफी करने के लिए पेशेंट को कैसे तैयार किया जाता है ऑल फूड एंड फ्लूड इंटैक शुड बी स्टॉप्ड अप्रॉक्सीमेटली फोर आवर बिफोर द प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर करने से लगभग फोर आवर पहले सभी फूड और फ्लूड पदार्थ का सेवन बंद कर देना चाहिए investigation report. प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मतलब प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होनी चाहिए जैसे ब्लड यूरिया सिरम क्रेटिनिन ब्लड शूगर ब्लीडिंग डिसडर और प्रीवियस मेडिकेशन चिलिप होनी चाहिए पेशेंट हु इस्मोक में बी आस्ट टू स्टॉप द डे बिफोर द टेस्ट अगर कोई पेशेंट स्मोक करता है तो पेशेंट को एग्जामिनेशन के एक दिन पहले से बंद करने के लिए कहा जाता है इससे माइलोग्राम के बाद नोजिया और हेडेक को कम करने में हेल्प मिलती है नेक्स्ट है डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेसेंट मतलब पेशेंट को पूरे प्रोसीजर के बारे में डिस्क्राइब करना चाहिए जिससे प्रोसीजर करते टाइम पेशेंट पूरी तरह कोऑपरेट करे नेक्स्ट है ऑप्टन कॉन्सेंट फ्रॉम द पेशेंट फॉर परमिशन ऑफ प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर की परमिशन के लिए पेशेंट से एक कॉन्सेंट फॉर्म भरवाना चाहिए द पेशेंट शुड रिमूव ऑल क्लॉथिंग एंड डॉन ए पेशेंट गाउन मतलब पेशेंट के सभी कपड़ों को रिमूव करवाकर हॉस्पिटल गाउन या पेशेंट गाउन पहनाना चाहिए सो so फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में माइलोग्राफी पेशेंट पोजिशन लंबर पंचर प्रोसीजर माइलोग्राफी के बाद आफ्टर केयर और माइलोग्राफी के कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो इस वीडियो का पार्ट सेकंड भी ज़रूर देखें फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिसे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा